क्वेश्चन है, 15,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है 15,000 रुपये का हमें 12% की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्रथम वर्ष के लिए हम एक लाइन खींचेंगे और सेकेंड वर्ष के लिए हम 2 लाइनें खींचेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम 15,000 का 12% निकालेंगे, 15,000 गुणा 12/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 12 0 0 12 5 60 12 1 12 12 6 18 यानी कि कितना आ गया ये 1800। तो प्रथम वर्ष में हम 1800 लिख देंगे और यहाँ भी हम फर्स्ट लाइन में प्रथम वर्ष में 1800 लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में हम फिर क्या निकालेंगे, 1800 का 12%, तो गुणा 12 कर देंगे अपॉन 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 2 36 18 1 18 19 20 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड लाइन जो हमने खींची है 216। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमारा पूरा क्या होता है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबको हम जोड़ देंगे 1800 प्लस 1800 प्लस 216, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 1 8 और 8 16 16, तो ये हो जाएगा हमारा 3816, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो गया 3816 रुपीज़।